हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ESP के ऑफसेट कैसे फाइंड करते हैं। तो ESP के ऑफसेट फाइंड करने के लिए आपको बेसिकली एक टर्मक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो टर्मक्स को आपको सिंपली से इंस्टॉल करके इसका परमिशन आपको स्टोरेज परमिशन सॉरी इसको अलाउ कर देना है, ठीक है। देन आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस ऐसा आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली सा पहले तो आपको लिप चाहिए। आप जिस भी गेम का ऑफसेट निकाल रहे हैं ESP के लिए तो उसका लिप चाहिए, उसको डंप फाइल निकालने के लिए। तो यहाँ पर से अपन मैंने ऑलरेडी रखा है, यहाँ पर लिप देख सकते हो, तो लिप UE4। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको डाल देते हैं कहीं और कट करके एंड्रॉयड फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब क्या करना है अपने को सिंपली से कुछ नहीं करना है। अपने को ये जो कमांड्स हैं ना, APT अपग्रेड एंड APT अपडेट, इनको सिंपली से यहाँ पर रन करना है टर्मक्स पे। टर्मक्स पे जैसे ही अपन इसको रन करेंगे उसके बाद ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाई कर देते हैं, यस हाँ, अपने को अपग्रेड करना है। तो कम ऑन, थोड़ा वेट करते हैं, कंप्लीट होने ही वाला है। कम ऑन, थोड़ा सा और बचा है बस, तो ये कंप्लीट होने वाला है। तो वही 50% ही हुआ है, थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट वेट एंड इसके होने तक, तब तक से हम उसको कॉपी कर लेते हैं। तो अपने को एक पैकेज इंस्टॉल करना है, Render2 करके है ये पैकेज, तो इसको अपने को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद पहले अभी इसको होने दो। तो ये कंप्लीट हो गया एंड यहाँ पर से अब सिंपली से इसको भी अपन पेस्ट कर देते हैं, पैकेज इंस्टॉल रेंडर। एंड ये भी इंस्टॉल मैंने ऑलरेडी कर लिया इसलिए ये तुरंत हो गया, आपके में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली से CD/SD कार्ड करना है टैप यहाँ पर /Android, ठीक है। आप जिस भी पैच में रखे हो अपनी Libc4 को फाइल को, तो अब ये हो गया। अब ls करूँगा जैसे ही मैं, तो ये सारे फाइल्स को दिखा देगा कि यहाँ पर आसपास में कौन कौन से फाइल है। तो libuv4 है, अपने को libuv4 को अपने को क्या करना है, इसका डंप फाइल निकालना है। तो इसको डंप फाइल निकालने के लिए अपने को ये वाला कोड लगेगा, रबिन करके है ये, इसको सिंपली से आपको कॉपी करना है। मैं ये टेक्स्ट दे दूँगा आपको सारा का सारा और सिंपली इसमें पेस्ट करना है। बस सिंपली से ऐसा टैप करने से ही आपका देख सकते हो ये हो गया है। एंड अब जाना है आपके स्टोरेज में एंड नीचे आते हैं, तो नीचे देख सकते हो ये dump.txt करके एक फाइल आ गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, तो इसमें gname आ गया है, ये दिख रहा है तुम लोग को gname, ये gname आ गया। तो gname को सिंपली से तुम लोग को कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर gname है, ये नेम एंड जी वर्ड है ना। तो जी वर्ड कमान इतनी होता है कि सर्च ही कर लेते हैं अपन जी वर्ड, तो पर में होगा आई थिंक, ये देखो आ गया, ठीक है। तो सिंपली था बस, और कुछ नहीं होता इसमें, सिंपली सा ऐसे निकालना रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको व्यू मैट्रिक्स और व्यू वर्ल्ड भी निकालना सिखाऊंगा कि उसके ऑफसेट कैसे निकलते हैं। तो ये पूरे फ्री कोर्स रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड चीनी एंड जी वर्ल्ड, ठीक है। तो ये दोनों का ऑफसेट अपन ने निकाल लिया, ठीक है, देख सकते हो। यहाँ पर मैं इसको कैपिटल में कर देता हूँ ताकि ये और भी बेटर हो जाए। AFC ये था आई थिंक, यहाँ पर T कैपिटल
एंड बस ये हो गया, तो बस ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं। मानेंगे?